हेलो लवली पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम टू ट्विनी बबल्स। तो आज की सिजलिंग और हॉट रेसिपी है चिकन एंड फिश स्टार्टर्स या सिजलर्स। आजकल वेडिंग सीजन है, हर जगह शादियां ही शादियों का मौसम है और ये फिश स्टार्टर्स और चिकन स्टार्टर्स बहुत कॉमन है शादियों में। तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं शादियों में कोविड की वजह से, वो घर पे ही आराम से इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, गर्मा गर्म चिकन और फिश स्टार्टर्स। वैसे तो स्टार्टर्स में पनीर टिक्का और कबाब भी होते हैं, सीख कबाब, लेकिन जो मेनली होते हैं वो चिकन और फिश टिक्का होते हैं। और इसी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ली है 1 किलो बोनलेस फिश। इसको हमने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो बड़े पीसेस भी रख सकते हैं और चाहे तो इससे छोटे भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, लेमन जूस लिया है 1 या 2 लेमन का, और 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर लिया है और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च, और 2 टीस्पून लिया है भुने हुए जीरे का पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है इसमें। अब मैं ये ले रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो, इससे टेस्ट एनहांस होता है। अब इसको हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे अच्छी तरह और कोट कर देंगे फिश में। फिश के पीसेस में हमने अच्छी तरह कोट कर दिया है और अब इसको कवर करके हम मैरिनेट करने रखेंगे एटलीस्ट 45 मिनट्स के लिए। ये देखिए मैंने ढक दिया है, मैरिनेट कर देंगे। 1 किलो बोनलेस पीसेस हैं चिकन के और इसकी मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ पहले अपने वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। उसमें चटनी की भी रेसिपी है। तो इसको स्क्यूअर्स में लगा दिया है और इस तरह इसको फ्राई किया है। सेम टू सेम रेसिपी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर ले। चिकन मलाई टिक्का की रेसिपी है, या चिकन टिक्का भी इसको कह सकते हैं। बस उसी तरह हमें बनाना है। अब हमें लेना है 100 ग्राम मैदा और इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिक्स कर देंगे और फिश के पीसेस को इसमें डस्ट करेंगे। और इधर हमने लिया है 2 फटे हुए अंडे, इसमें हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसको भी हम डिप करेंगे फिश के पीसेस इसमें। अब ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स जो होते हैं, इसके छोटे बड़े पैकेट दोनों मिलते हैं। ये बहुत क्रिस्पी होते हैं कॉर्नफ्लेक्स, आराम से मिल जाते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, या फिर आप अगर नहीं मिले तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, ब्रेड को मिक्सी में कर लें। तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सी में कर लिया था। अब मैं एक एक फिश पीस ऐसे लूँगी। अब इसको थोड़ा सा कोट करूँगी मैदे और कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में। अब इसको जो है एग में डिप करेंगे इस तरह से। अब जो कॉर्नफ्लेक्स का हमने जो ग्राइंड करके इसको लिया है, इसको कोट करेंगे। ये बहुत क्रिस्पी होता है इसलिए मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिया है। ब्रेड क्रम्स एक बार मुलायम भी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत क्रिस्पी होता है, तो इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी आपके फिश टिक्का बनेंगे। तो इसी तरह मैं सारे पीसेज ऐसे करके रख लूँगी। दूसरा भी मैंने सेम तरीके से इसको कोट किया मैदे में, डिप किया अंडे में, और अब कॉर्नफ्लेक्स के मिक्सचर में इसको कोट कर दिया। सारे पीसेस में इसी तरह बना के रख लूँगी एक प्लेट में। आप एक साथ ही बना के रख लें तो आसानी होगी, फिर हम उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। देखिए सारे मैंने कोट कर लिए हैं, अब इसको फ्राई करेंगे। अब ये इधर मेरे चिकन टिक्का तैयार हो रहे हैं, तो इधर मैंने तेल गरम कर लिया है, दूसरी तरफ मीडियम फ्लेम रखें। अब एक एक करके हम फिश पीसेस को डालते जाएंगे, जितने आ जाएं आप उतने डाल दें, बहुत ओवर क्राउड नहीं करना है।
और 5-6 मिनट एक साइड, 5-6 मिनट दूसरी साइड। जब हल्का सा ब्राउन होने लगे तभी पलटें, फौरन ना पलटें फ्रेंड्स। अब ये देखिए हो गए थे एक तरफ से, तो मैंने दूसरी तरफ पलट दिया है ऐसे। बहुत ही क्रिस्पी होंगे फ्रेंड्स ये, कॉर्नफ्लेक्स की वजह से बहुत क्रिस्पी बनेंगे। आप एक बार कॉर्नफ्लेक्स से भी ट्राई करके देखें। अब ये हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह हो गए हैं क्रिस्पी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए इसमें आवाज़ भी आ रही है, जब मैं निकालूँगी तो इसमें जिस तरह की आवाज़ आएगी उसी से आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए सारे पीसेस मैं इसी तरह फ्राई कर लूंगी फिश के। तो फ्रेंड्स हो गए, मैंने डिस्पोजेबल प्लेट्स ली हैं ताकि हमें खाते वक्त बाहर जैसा फील आए, तो हम डिस्पोजेबल प्लेट्स लेंगे फ्रेंड्स। चिकन के पीसेस हमने रख दिए हैं, फिश के पीसेस हम रख रहे हैं इसमें। ये देखिए कितना बढ़िया मज़ा आ रहा है, हरी चटनी हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। थोड़ी सी ऊपर भी डाल देती हूँ मैं। वाह, देख के ही मज़ा आ गया फ्रेंड्स। देखा आपने किस तरह से आसानी से घर पे ही बैठे आपको फिश और चिकन स्टार्टर्स मिल गए। गर्मा गर्म इंजॉय करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको स्टार्टर रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स प्लेटर इंजॉय करें, खाएं, खिलाएं, मजे करें। मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।